ये गाड़ी है मारुति सुजुकी अल्टो और ये इस गाड़ी की इग्निशन की इग्निशन सिलेंडर में एंटर करनी है और इग्निशन ऑन करना है। सारे वार्निंग इंडिकेशन इसके क्लस्टर मीटर में आ जाएंगे। 1,17,000 किलोमीटर गाड़ी अभी तक चल चुकी है। इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, जब रन करते हैं, उस कंडीशन में जितना भी पिकअप है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और गाड़ी चलती नहीं। ये कंडीशन है ना ही एक्सलेटर लेगी प्रॉपर तरीके से। गाड़ी जब 20 से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर चल जाएगी उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आती है इस गाड़ी में। अभी गाड़ी चल के आई है 30 किलोमीटर। अब जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लेट स्टार्ट होती है। आप सब देखोगे जो एक्सलेटर है बिल्कुल भी नहीं लेगी गाड़ी। ये कंडीशन है इस गाड़ी की। अभी और जो इंजन है बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। आप सब देखोगे इंजन ये वाइब्रेट होने स्टार्ट हो गया कंप्लीट इंजन में। ये एक्सलेटर ये आप सब देखोगे ये एक्सेलेरेटर पैडल बिल्कुल प्रेस है। अभी आप सब देखोगे कि पूरा एक्सेलेरेटर पैडल प्रेस हो गया। इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। और जैसे ही एसी ऑन करते हैं तो इंजन काफी ज्यादा वाइब्रेट होगा। ये आप सब देखोगे एसी ऑन हो गया। जैसे एसी ऑन होता है जितना भी इंजन है वो स्टेबल नहीं रहता। ये आप तो देखो पूरा सिस्टम वाइब्रेट होने लगा। ये आप तो देखो इंजन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। जैसे हम एसी ऑन करते हैं इंजन वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये आप तो देखो और जैसे एक्सेलेरेटर करेंगे जो इंजन है वो प्रॉपरली एक्सेलेरेट नहीं रहेगा। ये आप तो देखो ये एक्सेलेरेटर पैडल बिल्कुल प्रेस है। ये आप तो देखो कोई रिस्पॉन्स नहीं इस गाड़ी में। ये आप तो देखो गाड़ी बंद हो गई। ये आप सब देखो ये प्रॉब्लम है इस गाड़ी में। जैसे एसी ऑन होगा फिर तो गाड़ी एक्सीलेटर लेगी नहीं। ये कंडीशन है। एसी ऑफ हो गया एसी ऑन करियो। ये आप सब देखोगे ये एसी ऑन हो गया। ये कंडीशन देखो आप सब जो इंजन है बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। इंजन ऐसे वाइब्रेट होगा तो कुछ सेकंड बाद गाड़ी बंद हो जाएगी। बंद हो गई गाड़ी। स्टार्ट कर हाँ एसी ऑन कर।